सबसे पहले मैं आपको एक पंक्ति जोड़ दूं कि जब पूरी इंक्वायरी सेटअप करने की एक इंडिपेंडेंट बॉडी की कुछ मुस्लिम संगठन मांग कर रहे थे तो उनकी पत्नी ने कहा मेरे पति की शहादत का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब आप बताइए। पहली बात है जो मेरे मित्र ने रखा विषय, उसका खंडन करना चाहूंगा। आपका प्रश्न था कि क्या आमिर जी जो आज आजमगढ़ के विषय को लेकर आए हैं, मैं उनके विषय पर विश्वास रखता हूं कि नहीं। तो मेरा मानना है कि मैं आमिर जी से अधिक विश्वास नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पे रखता हूं, क्योंकि एनएचआरसी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की संगठित बॉडी है और उन्होंने दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट दिया है, तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। दूसरी बात, जैसे मेरे मित्र ने कहा कि पुलिस ऑफिसर शर्मा जी को मारने की साजिश थी ये दिल्ली पुलिस की, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर मारने की साजिश होती तो दिल्ली पुलिस के पास हजारों और उपाय थे शर्मा जी को ठिकाने लगाने के। इस प्रकार के नाटकीय अंदाज से उन्हें ठिकाने नहीं लगाने की आवश्यकता। लेकिन तीसरा एक विषय, गोली कहां लगा। मैं एक चिकित्सक भी हूं, मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बता दूं जो एनएचआरसी ने कहा है, उन्होंने कहा कि गोली आगे से लगी, पेट में लगी और एग्जिट वुंड उसका पीछे से हिप से रहा और सारा खून पीछे से निकला, क्योंकि मेडिकल थ्योरी के अनुसार एंट्री वुंड से खून नहीं बहता, एग्जिट वुंड से खून बहता है और उसे हिसाब से बिल्कुल पाया गया। दूसरी गोली उनके कंधे पर से गई थी, इसलिए कंधे वाला चीज हम देख पा रहे थे और पीछे से काफी मात्रा में खून निकला था, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जी बहुत शुक्रिया महानुभावों का, आपने वक्त निकाला और कई महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर हमसे बातचीत की, धन्यवाद आपका। अभी एक ब्रेक लेंगे, बुलेटिन में खबरें जारी। सुबह की पहली किरण से जागता है इंडिया, हर वक्त हर घड़ी भागता है इंडिया। इसी रफ्तार से हम भी चलते हैं, हर दिन खबरों का पीछा करते हैं। अब वक्त है सब कुछ बदलने का, बंदिशों से आगे निकलने का। आ गया है GNN न्यूज, सिर्फ खबर। जब गहराता है अंधकार झूठ और भ्रम का, तब फूटती है एक किरण विनाश करने तम का। एक किरण उम्मीद की, अच्छाई की, मोहब्बत की, इबादत की। एक किरण सहारे की, एक किरण भाईचारे की। जब मिलती हैं किरणों से किरणें, तब अभ्युदय होता है हकीकत का और छा जाता है एक उजाला सच का। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। भोपाल में कांग्रेस ने राज्य सरकार के विरुद्ध बदहाल सड़कों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और यह प्रदेशव्यापी था। कांग्रेस बदहाल सड़कों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार मानती है। बदहाल और खस्ता सड़कों से परेशान जनता ने कांग्रेस के प्रदर्शन में शिरकत की और जमकर हंगामा किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला दफ्तर पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विरोध को देखते हुए सुरक्षा के इंतजामों को पूरे राज्य में कड़ा किया गया। धीरज पटौरिया साहब से हम बातचीत कर पाएंगे, नेता बीजेपी और इस समय भोपाल से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर उपलब्ध हैं। पटौरिया साहब, कांग्रेस के कामयाब विरोध प्रदर्शन पर क्या कहना आपका? देखिए, इस बार ईश्वर की बहुत कृपा थी कि मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी वर्षा हुई
और हम हमेशा देखते हैं जब भी बहुत अच्छा पानी गिरता है तो वहां पे रोडों में थोड़ी रोड खराब होती है। ठीक है, तो ये सरकार जल्दी जैसी बरसात थमेगी जी हम नई सड़कों का निर्माण कराएंगे, मरम्मत कराएंगे जी। इसमें कांग्रेस सिर्फ धोती राजनीति कर रही है, ये प्रदर्शन करके बताना चाह रही है कि जनता की इनको कितनी चिंता है। जनता भूली नहीं है उनका वो पिछला कार्यकाल जब 10 साल उन्होंने शासन चलाया था। लेकिन धीरज जी एक बात बताइए, अगर आम जनता इतनी एग्रेसिव के साथ इसमें शरीक हुई है, ये प्रदर्शन काफी हंगामेदार रहा है, हम फुटेज में देख पा रहे हैं काफी लोग इसमें शरीक हुए हैं, आम लोग भी आए हैं। देखिए जनता नहीं, कांग्रेस के कुछ गुटों का ही आंदोलन था और इस आंदोलन में कांग्रेस एकजुट नजर नहीं आई बल्कि गुटबाजी नजर आई है। नहीं नहीं, ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है ना, आप तो ये बताइए इतना सक्सेसफुल विरोध प्रदर्शन हुआ है और जनता इसमें शामिल हुई है, इसका मतलब वो शिवराज जी की सड़क नीति से बहुत नाराज है? देखिए ये संख्या कहां पर अच्छी है, यानी कि कई जिले आधे से अधिक जिलों में कार्यक्रम ही नहीं हुआ है, आप जानकारी ले लें जी। इन्होंने प्रदेश के हर जिले में इस कार्यक्रम का होना बोला था और आधे से अधिक जिलों में कार्यक्रम ही नहीं हुआ है, और जहां भी हो कहीं इनकी जहां नेताओं को पहुंचा रहा था कहीं सुरेश पचौरी जी नहीं पहुंचे हैं जी, कहीं कोई नेता नहीं पहुंचा है जी। तो इनका आंदोलन में नेताओं की सहभागिता तक तो रही नहीं है, जनता की सहभागिता के बाद छुड़ गया। पटौरिया साहब, हमें पूरे राज्य से तस्वीरें मिली हैं, अपने दर्शकों को बता दें भोपाल, कटनी, उज्जैन और जबलपुर में आप देखिए कितना जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है, और सरकार आपको लगता है बहुत भारी मात्रा में दबाव में आने वाली है इस प्रदर्शन से? नहीं नहीं, सरकार देखिए ये तो ठीक है विपक्षी के नाते इनको ये करना है, ये करते रहे, लेकिन हमारा ये कहना है कि रचनात्मक विरोध करें। आज आप जानते हैं कि जब तक बरसात पूरी तरह थम नहीं जाएगी रोडों का काम शुरू नहीं होगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जब जब बारिश होगी सड़कें टूटेंगी, क्योंकि वहां पर बीजेपी के जो ठेकेदार हैं उनको मुनाफा पहुंचाना जरूरी है? नहीं, बारिश में सड़कें खराब होती हैं क्योंकि डामल उखड़ता है पानी से। आप सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कमीशनबाजी इतनी ज्यादा होती है कि हर बारिश में सड़कें टूटती हैं, आप अपने ही मुख्यमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे जी कि जहाँ जहाँ नुकसान हुए लेकिन बरसात थमते ही रोड बनी, कहीं हमारे मुख्यमंत्री ये थोड़ी ना बोल रहे कि हम सड़कें नहीं बनवाएंगे जी। हम तो बोल रहे जैसे बारिश थमती है और तत्काल रोडों का निर्माण कार्य शुरू होगा, जहाँ भी टूटी फूटी ये रोड है सुधारे जाएंगे, निश्चित रूप से बनेंगी, और चमचमाते हुए रोडें सरकार ने 7 साल में दी है, प्रदेश की जनता ने देखा कि 7 सालों में हम बहुत सी सड़कों पर चले, ये पहली बार। इस बार आप देखते हैं बरसात जहाँ 40 इंच होती थी वहाँ 80 इंच हो रही है, हमारे जबलपुर में ही मैं जबलपुर का हूँ वहाँ पर बारिश 65 इंच से ऊपर हो गई, इधर सामान्य से अधिक वर्षा हो रही है। बहुत धन्यवाद जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि कांग्रेस का प्रदर्शन काफी कामयाब रहा और आम लोग इसमें काफी संख्या में शरीक हुए। बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। हमारे कार्यक्रम भाग्य चक्र में अपने भाग्य का हाल जानने के लिए SMS करें, अपने मोबाइल पर टाइप करें BC स्पेस देकर अपना नाम स्पेस शहर का नाम स्पेस अपना मैसेज भेजें 5499950 पर। शिक्षा के क्षेत्र में GN ग्रुप की पहल, हम लेकर आए हैं CBSE से एफिलेटेड GN कॉन्वेंट स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, शानदार ऑडिटोरियम, विशाल लाइब्रेरी, वेलिक्यूब, साइंस एंड कंप्यूटर लैब, हर बच्चा है हमारे लिए खास, म्यूजिक, डांस और स्पोर्ट्स क्लासेस। कम एंड फील द डिफरेंस, GN कॉन्वेंट स्कूल, भलूर, मोगा, पंजाब।
खबर। तनाव रहित व खुशहाल जीवन के लिए थोड़ा सा समय निकालें और योग से नाता जोड़ें। सुबह सुबह करेंगे योग तो आप हमेशा रहेंगे निरोग। जीवन में लाना है आयाम तो रोज सुबह करें प्राणायाम। योगामृत हर रोज जीएनएन भक्ति पर। भाग्य चक्र में अपने भाग्य का हाल जानने के लिए एसएमएस करें। अपने मोबाइल पर टाइप करें BC स्पेस देकर अपना नाम स्पेस शहर का नाम स्पेस अपना मैसेज भेजें 5499950 पर। उन्नत तकनीक भरोसे का साथ, लाखों लीटर दूध और देशी घी से पिरोया सबका विश्वास, हर भारतीय का विश्वास जीएन डेयरी। जीएनएन न्यूज सिर्फ खबर। जीएनएन न्यूज देखने के लिए डिश टीवी उपभोक्ता ट्यून करें चैनल नंबर 566, MTNL उपभोक्ता ट्यून करें 77 और मोबाइल यूजर जीएनएन न्यूज देखने के लिए लॉगिन करें www.gnnnews.tv/mobile। जीएनएन न्यूज सिर्फ खबर। तनाव रहित व खुशहाल जीवन के लिए थोड़ा सा समय निकालें और योग से नाता जोड़ें। सुबह सुबह करेंगे योग तो आप हमेशा रहेंगे निरोग। जीवन में लाना है आयाम तो रोज सुबह करें प्राणायाम। योगामृत हर रोज जीएनएन भक्ति पर। जीएनएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भलेंद्र सिंह बिरमानी और मैं हूं शिखा शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक बार नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। मोदी के 3 दिन का उपवास खत्म, सभी धर्मों के संतों में ने तोड़वाया उपवास। मोदी का बयान, राजनीति से ऊपर है राष्ट्रनीति। सुषमा स्वराज ने बांधी मोदी की तारीफों के पुल, केंद्र पर साधा निशाना, कहा मोदी की आलोचना नहीं करते हैं परवाह। कैश पॉपोर्ट मामले में अमर को कोर्ट से फिर मिली राहत, 27 सितंबर तक की मिली मोहलत, लेकिन बिना इजाजत दिल्ली से बाहर नहीं जाने का निर्देश। हुकम से मरने वाले की संख्या पहुंची 50 के पार, सैकड़ों लोग अब भी अस्पताल में, मौसम बना राहत और बचाव कर्मियों का दुश्मन। फिलहाल सड़कों पर घिरी मध्य प्रदेश सरकार, कांग्रेस का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन, सरकार पर बदहाल सड़कों की अनदेखी का आरोप। तो बात करते हैं सबसे पहले गुजरात विश्वविद्यालय की, जहां पर एसी हॉल में 56 घंटों तक चला नरेंद्र मोदी के 3 दिन का उपवास अब खत्म हो चुका है और सभी धर्मों के संतों ने मोदी का उपवास तोड़वाया। उपवास खत्म करने के बाद मोदी ने साफ तौर पर कह दिया कि उनकी सरकार 6 करोड़ गुजरातियों के लिए काम करती है और वो चुनाव जीतने के लिए राजनीति नहीं करते। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में कोई फर्क नहीं करती और मोदी ने अपनी तारीफों के पुल खुद बांधते हुए कहा है कि देश के लिए जरूरी है सपनों को जोड़ना, न कि हर चीज को राजनीति के चश्मों से देखना। मोदी ने कहा कि आम आदमी शांति चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने सद्भावना मिशन के तहत दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि विकास के पीछे की ताकत क्या है। देश
और